नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। भारतीय रेलवे के अलग अलग जोनों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे लाइन को डबल या ट्रिपल करने के साथ साथ रेलवे फुटओवर ब्रिज या रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। ऐसे में निर्माण कार्यों के चलते कई ट्रेनों की आवाजाही काफी प्रभावित हो रही है, जिससे यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य की कड़ी में पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से खटपुरी से बदायूं खंड के बीच सबवे निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्माण के तहत रेलवे द्वारा ट्रैफिक ब्लॉक करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत आने वाली 26 जून को कुछ ट्रेनों के समय पर प्रभाव पड़ने वाला है। रेलवे ने इन ट्रेनों की सूची पहले ही जारी कर दी है, ताकि यात्रियों को पहले से ही इसकी जानकारी हो जाए। इस सूची में लालकुआ से चलने वाली लालकुआ कासगंज अनारक्षित विशेष गाड़ी लालकुआ से 120 मिनट रीशेड्यूल कर चलाई जाएगी। वहीं कासगंज से चलने वाली कासगंज भरतपुर जंक्शन अनारक्षित विशेष गाड़ी कासगंज से 60 मिनट रीशेड्यूल कर चलाई जाएगी। और कासगंज से ही चलने वाली कासगंज काशीपुर अनारक्षित विशेष गाड़ी भी कासगंज से लेट में चलाई जाएगी। ये ट्रेन को 80 मिनट रीशेड्यूल कर चलाया जाएगा। इसके अलावा कासगंज से चलने वाली कासगंज बरेली सिटी एक्सप्रेस को घटपुरी से चलाया जाएगा और ये गाड़ी कासगंज घटपुरी के बीच में नहीं चलेगी। ऐसे में इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।